हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब ये घटना हुई तब मैं राहुल गांधी से बात कर रहा था। राहुल गांधी ने मुझे कहा कि देखिए, इस देश में चलने की इजाजत सिर्फ मोदी को है, मोदी ही हवा में उड़ सकते हैं, हवाई जहाज में ला सकते हैं, चलने की इजाजत नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा, हाथरस जाऊंगा। और इसी सड़क पर ये जो कुछ दूरी पर ये घटना हुई है, जहां पर वो चल रहे थे और मैं उनके साथ साथ चल रहा था, और कुछ दूर जाने पर जैसे ही उन्होंने, पुलिस वालों ने देखा कि राहुल गांधी मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो वहां दौड़ते हुए, जो एडिशनल डीसीपी हैं, वो वहां पर आए और उन्होंने कहा कि आप बात नहीं कर सकते, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, आपको रुकने के लिए कहा है। लेकिन तब तक उनके बीच उन्होंने कहा कि आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, तो हाथ जो है वो उनकी तरफ बढ़ा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उन्होंने देखा कि उनके नेता की तरफ जो है पुलिस बढ़ रही है, तो वो एक तरफ आ गए। मैं वहां पर एकदम उनके बगल में खड़ा था। उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको दिखाता हूं आज का इंडिया कैसा है, कैसे है आप लोग आगे जब मैं आपको दिखाता हूं आइए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, वहां पर पुलिस ने उन्हें जो है रोकने की कोशिश की और इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो पुलिस से उलझ गए और राहुल गांधी आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी तक दोनों के इस धक्का मुक्की के बीच में पुलिस का एक धक्का हल्का सा राहुल गांधी को लगा और राहुल गांधी गिर गए जमीन पर। इस तरह की ये जो कुछ दूर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर राहुल गांधी उस जगह पर गिरे और उन्हें चोट लगी, कमर के बल गिरे। उसके बाद वो दोबारा उठे, उन्होंने मुझसे दोबारा बात की और कहा कि आइए देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आज का इंडिया है जहाँ बात नहीं करने दी जा रही है। वो फिर चलने लगे और पीछे से प्रियंका गांधी उनके साथ आई और वो उनके साथ चलने लगी। जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो एकदम आक्रोशित थे उस समय, लेकिन उन्होंने उनको शांत कराया और इस तरह से एक किनारे पर यहाँ ले आए। उसके बाद दोनों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यहाँ खड़े रहे। उन्होंने, प्रियंका गांधी ने उनके हाथ की तरफ देखा जहां पर कपड़े गंदे हो रखे थे, उन्होंने उनकी चोट को भी देखा। उसके बाद मैंने दोबारा उनके पास गया और मैंने उनसे दोबारा पूछा कि सर आपके साथ जो हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत बड़ी लड़ाई है, हाथरस जाना है मुझे किसी भी तरह से, और ये तो धक्का मुक्की है, इसको ज्यादा उन्होंने तूल नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है और मुझे यहां तक चल के आया हूं और आगे भी चल के जाना पड़ा तो चल के जाऊंगा। लेकिन उस बीच जो कुछ हुआ वो ये था कि वो हमसे बात कर रहे थे, वो हमें ये बता रहे थे कि आगे वो क्या करने वाले हैं, हाथरस कैसे जाएंगे, किस तरह से वो करेंगे। लेकिन उसी बीच पुलिस आ गई, जबकि पुलिस, एक सांसद जो है वो मीडिया से बात कर रहा है, कोई उसको हिरासत में नहीं लिया गया था जो कि मनाही थी उन पर, लेकिन पुलिस एकाएक उस बीच में आ गई, जबकि पुलिस का इस दौरान कोई रोल नहीं था। वो मुझसे बात कर रहे थे और पुलिस ने उस दौरान आके रोका, और जब पुलिस ने रोकने के लिए आगे आए तो वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एकदम आगे आ गए। तो उसी दौरान जो कुछ पुलिस के जो कांस्टेबल्स थे उन्होंने लाठी भी उठाई, अगर आप तस्वीरों में देखें तो आपको लाठी उठती हुई भी दिखेगी, और वहां पर डीसीपी ने उनको रुका कि नहीं ये नहीं है। लेकिन तब तक बहुत बात आगे बढ़ चुकी थी और जो धक्का मुक्की थी उसमें राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा और इसी जगह पर वो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ देर यहाँ रुके और यहाँ पर उन्होंने, प्रियंका गांधी ने उनकी चोट भी देखी, उनका पूछा भी, और कांग्रेस के जो नेता थे वो भी हैरान हो गए कि ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी जो है उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, राहुल गांधी जो है वो गिर गए और वो उन्हें चोट आई है।